हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक जैकपॉट की तरह अभी तक रिटर्न दिया है जब से लिस्टेड हुआ है उसके बाद से, और आगे भी इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जब स्टॉक की प्राइस 4500 के अप्रोक्स में था उस समय भी हम आप लोग से वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रखो, आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में काफी अच्छा खासा मुनाफा देगा। स्टॉक की प्राइस लगभग हमें 5200 के अप्रोक्स में देखने को मिला था, उस समय भी आप लोग को वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रखो, आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा देगा। अभी की हम बात करते हैं, स्टॉक लगभग 6000 प्लस में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों आने वाले दिनों में भी इस स्टॉक हमें लगभग अच्छा खासा रिटर्न देते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वो स्टॉक है कौन सा। तो दोस्तों हम आप लोग से बात करें अतुल इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका अतुल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के दिन हमें थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिला है, लेकिन पिछले वन मंथ की बात करें इस स्टॉक का तो आप लोग देख सकते हो पिछले वन मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 7% से अधिक का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे पिछले 6 मंथ का तो आप लोग देख सकते हो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में लगभग 39% से अधिक का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे पिछले 1 साल की तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक में कितना जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया, लगभग 55% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे पिछले 5 ईयर का तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में कितना जबरदस्त रिटर्न, लगभग 300% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक को आप लोग देख सकते हो हमेशा अपर ट्रेंड में धीरे धीरे हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है, और मतलब मिल रहा है, और आगे भी हमें इसी तरीके का चार्ट हमें देखने को मिल इस स्टॉक मिल सकता है अगर इसमें हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो, क्योंकि इस स्टॉक काफ़ी अच्छा है और स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करेंगे मैक्सिमम डे के चार्ट पैटर्न का तो आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम डे में इस स्टॉक में कितना जबरदस्त तरीके का रिटर्न दिया, लगभग 29,000 प्लस में हमें रिटर्न देखने को मिला, जो कि सारा का सारा फिगर परसेंटेज में है। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का, और स्टॉक यहां से अगर बात करें शॉर्ट टर्म में तो कितना रिटर्न दे सकता है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे एनएससी की साइड में आज के दिनों का, तो यहां पे अगर बात करें आज के दिन का तो इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो लगभग 65% से अधिक हमें डिलीवरी देखने को मिला है, जो कि काफी जबरदस्त है। दोस्तों जिस तरीके का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों में डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इस स्टॉक में फिर से हमें रैली देखने को मिल सकता है, तब चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक लगभग 7000 का हाई बनाया था, जो कि सितंबर में दोस्तों पिछले साल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बात करेंगे लो का 52 लो का तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 2900 रुपये का इसने लो बनाया था। वहीं बात करेंगे फेस वैल्यू का इस स्टॉक का तो हमें यहाँ पे 700 रुपये देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला डेटा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट नहीं है, मार्च और सितंबर का है। तो यहाँ पे सितंबर का देखें तो सितंबर में हमें अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर का रिटर्न, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग 45% के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टॉक में प्रमोटर का शेयर हमें थोड़ा सा हमें प्लेस देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास नहीं है दोस्तों। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टॉक का यहाँ पे, तो इसका हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो यहाँ पे हमें 19,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का सेक्टर का पी रेशियो का, तो यहाँ पे 23.70 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफी हमें थोड़ा सा हाई देखने को मिला है, जिसको वजह से इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो इसका हाई था 7000 का, इसको क्रॉस करके हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, तब चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसका सेप्टेम्बर क्वार्टर का सेल्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसका डेटा। तो यहाँ पे वन मिनट दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें सेल्स का तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में बहुत ही अच्छा खासा हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, लगभग 1000 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिला है दोस्तों। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो यहाँ पे कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर काफी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दिखाया है दोस्तों। तो ये मुझे
काफी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस का इशू है इसमें। छोटे इन्वेस्टर को लगता है कि इसका प्राइस काफी हाई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के ऊपर फोकस रहता है नहीं उनका। लेकिन स्टॉक काफी सेफ है, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में आप लोग होल्डिंग बनाकर रख सकते हो। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें डेप्ट से रिलेटेड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ईयर बाय ईयर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे मैं स्टार देना चाहूंगा। वहीं बात करें डेप्ट का, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें डेप्ट फ्री देखने को मिला है। कंपनी लगभग 100 प्लस में हमें यहाँ पे अदर लाइबिलिटी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी लगभग 672 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगर मैं बात करें इस स्टॉक में यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो हमें यहाँ पे लगभग 1100 प्लस में हमें फिक्स एसेट भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं इस स्टॉक का शेयर होल्डर का पैटर्न। तो यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डर का पैटर्न, तो यहाँ पे जैसे कि हमें डेटा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 45% से के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे एफ आई की होल्डिंग की, थी एफ आई की होल्डिंग लगभग 8% के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे डी आई की होल्डिंग हमें बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 20% से अधिक हमें होल्डिंग देखने को मिला है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का, तो यहाँ पे भी हमें 20% से अधिक हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की, अगर इसमें गिरावट होती है तो कितने के लेवल तक आ सकता है। तो अब तो हम बात करेंगे अगर इस प्राइस से, तो हमें लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर गिरता है स्टॉक तो लगभग 6000 के अप्रोक्स में हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टॉक काफी अच्छा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि स्टॉक अपने जो इसका एक रेसिस्टेंस है 7000 प्लस का, इसको हमें क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तब चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। लेकिन इस स्टॉक में एंटर करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, देन आप लोग एंटर कीजिए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।